سلامٌ على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم मुबारक फिर आप किस कबीले में पैदा हुए जिस पर पहुंच कर अल्लाह ने अपने अमीर को ये हुक्म दिया कि माबूद लोग दो के ऐलान कर दो कि तुम्हारे लिए तुम्हारी राह मेरे लिए नसर में अल्लाह ने अपनी पद और नुसरत का सुना। फिर आप के बहुत करीबी रिश्तेदारों में एक चचा था, वो आपकी दो बच्चियों का दूसरे से रिश्तेदार अब इतनी करीबी रिश्तेदारी से बंदा तवक्कु करता है कि वो अगर पैगाम ना भी माने तो कम अज कम रवादारी का ख्याल तो रखे। मगर वो कुछ भी चलता आया, उसके मन की खबासत ऐसी थी कि नवेरे खान को बहुत ही घात हो जाता था। मगर उसकी बीवी जिसकी कुनियत थी उम्मे जबीर अरवा बिन हर, वो उससे ज़्यादा खबासत में बड़ी हुई थी। चुनाचे मियाँ जी भी बहुत तंग करते थे। अब आप गौर कीजिए, जब इतने करीबी लोग तंग करते हैं तो बहुत दुखी होते हैं। मगर अल्लाह ने उनका अंजाम बद किया और सुबह लाहौर में उस पर अल्लाह ने तस्कर फरमा दिया। फिर इसके बाद पूरे कुरान मजीद का निचोड़ और खुलासा सुबह इखलास से बयान हो गया। अगर कोई कुरान मजीद को कशीद करे बेफर्ज तो जो चंद कचरे निकलेंगे उनका नाम सूर्य इखलास है। सूर्य इखलास तौहीद का पैगाम है। चार आयात हैं और इसमें चार तरह की तौहीद बयान हुई। कुल हुवल्लाहु अहद में तौहीद वजूदी, अल्लाहु समद में तौहीद शहूदी, लम यलिद वलम युलद में तौहीद ज़ाती और लम यकुन और बाकी बीमारियों के इलाज। और सूरत उन्नास जो है वो इंसान की रूहानी बीमारियों का इलाज है। इस पे आके अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद को मुकम्मल फरमा दिया। आज का उन्वान चूंकि सूरह कौसर है तो खादिम रसूल हजरत अनस रवायत करते हैं कि एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम हमारे साथ मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा थे, अचानक आपके ऊपर वो तारी हुई जिसमें वही उतरती थी, जैसे नबी इस्लाम पे ऊँग तारी हो जाती थी। वो ऊँग नहीं होती थी, वो अल्लाह की तरफ से वही उतरती थी। तो फरमाते हैं कि थोड़ी देर के बाद सुम्मा रफा रासहु मुतबस्सिमा, नबी अलैहिस्सलाम ने सर उठाया और मुस्कुराते हुए उठाया। तो हमने पूछा, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके मुस्कुराने का सबब क्या है?
तो नबी साहब ने फरमाया उन्ज़िलत अलैया अनफासूरा, मेरे ऊपर सूरा अनफुस फासूरा उतरी है, यानी ये सूरह कौसर का एक नाम है। इस सूरत को अल कौसर इसलिए कहते हैं कि इसमें कौसर का तज़किरा है, और कौसर के हमारे मशायख ने 18 मतलब बताए हैं। ये बड़ी गौर तलब बात है। सबब नज़ूल यह है कि जब खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दो बेटे हज़रत कासिम और हज़रत अब्दुल्ला छोटी उम्र में वफात पा गए, तो कुफार ने कहना शुरू कर दिया कि जी कोई डर नहीं, इस बंदे की तो औलाद आगे चल नहीं रही, तो इसलिए अब इसका पैगाम आगे नहीं चलेगा। इस बच्चे को पीछे बिठाया, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो एक काफिर था आस बिन वाइल, उसने नबी शाम के बारे में कहा मक्का वालों को कि क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो, ये तो अबतर है। अबतर कहते हैं मख्तून नस्ल, जिसकी नस्ल कट जाए। तो बेटे तो इसके हैं नहीं, जब ये फौत हो गया तो इसका पैगाम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। उसके जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत को नाजिल फरमाया। इस सूरत का तर्जमा है इन्ना आअतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाई। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, आप अपने रब की रजा के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। इन्ना हुवल अबतर, यकीनन आपका दुश्मन ही बेनामो निशान होगा, अबतर होगा। अब जरा इसके नुकात की तरफ आइए। इन्ना से अल्लाह ताला ने इस कलाम को शुरू फरमाया। इन्ना का मतलब है हमने। आपने दुनिया में देखा होगा जब किसी दोस्त की तरफ कोई गिफ्ट पैक भेजा जाए ना, तो ऊपर नाम लिखते हैं खूबसूरत कि फलां की तरफ से ये हदिया है, मोहब्बत है। खत हो तो उस पर लिखते हैं, फलों की टोकरी हो तो उसके ऊपर लिखते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूंकि इसमें इनामात का तज़किरा किया, तो इसको अपनी तरफ मंसूब कर रहे हैं, मेरे महबूब ये मेरी तरफ से इनाम है। इन्ना, इन्ना का लफ्ज़ बता रहे हैं। आतैना, आतैना का मतलब हमने अता किया। यहां पर लफ्ज आतैना भी हो सकता था, लेकिन ईता जो है वो आम है और आता जो है वो खास है। इसका मतलब है कि जो इनाम दिया गया वो कोई आम इनाम नहीं है, वो खसूसी इनाम है। इन्ना आतैना का आगे काफ लाया गया आपको, यहां पर कुम नहीं कहा कि तुम्हें, इसलिए कि इस इनाम में कोई दूसरा नबी साहब के साथ शरीक नहीं है। ये किसी के जहन में भी ना आए कि इस इनाम में और भी कोई शरीक है, ये खास इनाम नबी अलैहिस्सलाम के लिए है। इन्ना आतैना का जब इनाम की बारी होती है ना, तो देने वाले को देखा जाता है। देने वाला जितना बड़ा होता है इनाम उतना ही बड़ा, जी मुझे फलां ने इनाम दिया था। तो जब इनाम देने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है, तो फिर इनाम की अजमत बहुत बढ़ गई। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाई। ये लफ्ज़ कौसर का मतलब होता है कसीर चीज अता फरमाई, कसरत वाली। मगर मुफस्सरीन ने इसके 18 मतलब बयान किए हैं। ये याद करने वाली बात है, कौसर के कितने मतलब बयान हुए हैं,
18। एक मतलब तो ये कि इससे मुराद नहरुन फिल जन्ना, जन्नत की एक नहर है जो नबी अलैहिस्सलाम को मेराज में दिखाई गई थी। फैजा तीबहू मिस्क अज़फर, उसके पानी की खुशबू मुश्क जैसी होगी, जैसे महक होती है ना, एक इंसान कोका कोला पीता है तो उसकी एक स्मेल होती है, जूस पीता है तो उसकी अपनी एक स्मेल होती है। ये आब कौसर ऐसा होगा कि इसमें से मुश्क जैसी खुशबू आएगी। माउन अबयद मिन अल-लबन, और उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद होगा। वह अहला मिन अल-असल, और शहद से ज्यादा शीरी। सुभान अल्लाह, इतना सफेद, इतना शीरी और इतना साफ और इतना खुशबूदार। उसके करीब जो आप खोरे हैं वो सोने और चांदी के हैं, जैसे होते हैं ना वाटर कूलर के पास गिलास पड़े होते हैं, तो अल्लाह ताला ने जो गिलास बनाए वो सोने और चांदी के गिलास बनाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला के क्या इनामात हैं कि ऐसी सबील दी कि जो सोने और चांदी के गिलासों वाली थी। इस नहर को देखने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिब्राइल ये क्या है, तो उन्होंने कहा हाजल कौसर अल्लज़ी आताका रब्बुका, ये वो कौसर है जो आपके रब ने आपको अता कर दिया है। दूसरा इसका माना है हौज कौसर, वो हौज कौसर जो महशर में होगा। नहर कौसर जन्नत से निकलती है, मगर हौज कौसर महशर के दिन होगा। हदीस पाक में आता है कि जन्नत से दो परनाले आते हैं, एक परनाला सोने का, एक परनाला चांदी का। जैसे दो पाइपलाइन आ रही होती है ना, तो पानी कूलर में जा रहा होता है, तो जन्नत के जो हौज होगा उसकी दो पाइपलाइन ही होगी, एक सोने की होगी, एक चांदी की होगी। उस पर नबी साहब ने फरमाया कि मेरी उम्मत के साथ क्यामत के दिन मुलाकात होगी। नबी साहब ने फरमाया इन्ना मौइदुकुम अल-हौज, मेरे वादे की जगह हौज है। वह इन्नी लानज़ुरु इलैही, और मैं उसके इस तरह देख रहा हूं, वह अना फी मकामी हाजा, कि जैसे मैं आंखों से करीब खड़ा देख रहा हूं। वह मिम्बरी अला हौजी, और मेरा मिम्बर हौज के ऊपर होगा, यानी नबी अलैहिस्सलाम जैसे कुर्सी पे कोई बंदा बैठा होता है तो उस सबील के पास कुर्सी पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। फिर उसके बर्तन आसमान के सितारों की तादाद से भी ज्यादा होंगे, इसलिए कि नबी साहब की उम्मत सबसे ज्यादा, तो ऐसे लगता है कि वो डिस्पोजेबल चीजें नहीं होंगी। अल्लाह ताला बस हर बंदे को अलग जो है वो बर्तन में हौज कौसर पिलाएंगे। जवाया हो सवा, उसके चारों तरफ बराबर होगी। इसका मतलब ये कि हौज कौसर चौकोर होगा, चारों तरफ बराबर होगी। मैं यशरब मिन्हा फला यजमा अबदा, जो एक मरतबा उसका मशरूब पी लेगा फिर उसके बाद उसको कभी प्यास नहीं लगेगी, सैराब हो जाएगा। तफसीर कुर्तुबे में लिखा है कि हौज कौसर के चारों कोनों पर नबी अलैहिस्सलाम के चारों खलफा मौजूद होंगे। एक कोने पर सैयदना सिद्दीक अकबर लानो, एक पे हजरत उमर लानो, एक पे सैयदना उस्मान गनी लानो, और एक पे सैयदना अली रजी अल्लाह ताला। और तफसीर कुर्तुबी में उन्होंने ये भी लिखा है कि जो बंदा इनमें से किसी एक के बारे में दिल में बोझ रखता होगा वो उसको हौज कौसर का पानी नहीं पिलाएंगे, और जब एक पिलाने से इनकार कर देंगे तो सब इनकार कर देंगे। अब कितने खुश नसीब होंगे जिनको हजरत अली लानो पिलाएं, जिनको हजरत उस्मान गनी लानो पिलाएं, जिनको हजरत उमर लानो पिलाएं, और जिनको सिद्दीक अकबर लानो खुद पिलाएं।
और तफसीर में लिखा है कि बाद ऐसे भी खुश नसीब होंगे जिनको अल्लाह के महबूब सब खुद अपने हाथों से हौज़े कौसर पिलाएंगे। कौसर का तीसरा माना है अन्नहु रफ़अतु ज़िक्र, कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद किया। चुनाचे काफिर कहते थे कि नबी इस्लाम की जब तक वफात होगी तो उनका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब मैं आपके जिक्र को बुलंद कर दूंगा। आप इसकी भी तफसील सुन लीजिए कि एक मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी इस्लाम की खिदमत में हाजिर आए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला आपसे पूछते हैं कि मैं आपका जिक्र किस तरह से बुलंद करूँ, तो नबी इस्लाम ने जवाब में फरमाया अल्लाहु आलम, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो अल्लाह ने जवाब दिया मेरे महबूब मैं आपका जिक्र इस तरह बुलंद करूंगा कि जब मेरा जिक्र होगा वहीं पे तेरा जिक्र होगा, यहां जिक्र खुदा होगा वहीं पे जिक्र मुस्तफा होगा। अल्लाह ने अपने हबूब महबूब सलम को क्या ऊंचा मकाम अता फरमाया कि जहां जिक्र खुदा होगा वहीं पे जिक्र मुस्तफा होगा। चुनाचे कलमा तैयबा में देखें अल्लाह के नाम के साथ नबी अलैहिस्सलाम का नाम, नमाज में देखें अल्लाह के नाम के साथ नबी अलैहिस्सलाम का नाम, तशहुद में देखें अल्लाह के नाम के साथ नबी अलैहिस्सलाम का नाम, खुतबों में देखें अज़ान में देखें अल्लाह के नाम के साथ नबी अलैहिस्सलाम का नाम नामी आता है। नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा अल्लाह ने तौरात इंजील और ज़बूर में भी किया, पहली आसमानी किताबों में भी किया। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ी यजदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील, चुनांचे एक सहाबी कहते हैं कि मैंने अर्ज किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं एक और सहाबी से पूछा कि मुझे बताइए कि नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा तौरात इंजील में कैसे था, तो उन्होंने फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ नाम थे, एक नाम था हिर्ज़ुल उम्मीयीन अनपढ़ों की पनागा, क्योंकि उम्मत अनपढ़ थी तो नबी अलैहिस्सलाम अनपढ़ों की पनागा थे। एक जगह फरमाया अंता अब्दी व रसूली, ऐ मेरे महबूब आप मेरे बंदे हैं और मेरे रसूल हैं। समईतुकल मुतवक्कल, मैंने आपका नाम मुतवक्कल रख दिया। ये तौरात और इंजील में नबी इस्लाम के बारे में अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरियां हैं। न वो तो शुरू होंगे न वो सख्त दिल होंगे, न बाजारों में शोर करने वाले, न बुराई का जवाब बुराई से देने वाले, बल्कि माफ करने वाले और बख्श देने वाले होंगे, और अल्लाह उनकी रूह को उस वक्त तक कब्ज नहीं करेगा जब तक के अपने हाथों से टेढ़ी मिल्लत को सीधा ना कर ले और वो ला इला इल्लल्लाह ना पुकारने लगे, यानी जब तक सब लोग ला इला इल्लल्लाह पर जमा नहीं हो जाएंगे अल्लाह उनको उस वक्त तक दुनिया से नहीं उठाएगा। जब तक आपके कलमे की वजह से अल्लाह ताला अंधी आंखों को बीना, बहरे कानों को और गाफिल दिलों के पर्दों को खोल नहीं देगा, ये बुखारी शरीफ की रवायत है। चौथा माना इसका है वो मकामल महमूद व शफातुल कुबरा, के कौसर से मुराद मकाम महमूद और शफात कुबरा है। ये वो मखसूस मकाम है जो क्यामत के दिन अल्लाह अपने प्यारे हबीब सम को अता फरमाएंगे, आपके अलावा किसी और को नहीं मिलेगा। हदीस मुबारका में है कि क्यामत के दिन अव्वलीन और आखिरीन सब जमा होंगे और वो दिन 50,000 साल का होगा और सूरज बहुत गर्म होगा, हर बंदा अपने गुनाह के मुताबिक पसीने में डूबा हुआ होगा और पसीना इतना ज्यादा गर्म होगा
कि जैसे पानी में कोई चीज उबल रही होती है। अब आप अंदाजा लगाइए, इतनी गर्मी में बंदे का थोड़ी देर खड़े होना मुश्किल होगा। हर बंदा चाहेगा कि हमें अर्श का साया मिल जाए, हमारा हिसाब शुरू हो, हम इस मुसीबत से निजात पाए। तो अंबियाए कराम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप अंबिया के जद्द अमजद हैं, आप अल्लाह से सिफारिश करें। वो कहेंगे नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं अल्लाह से डरता हूँ। चुनाचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी कह देंगे जी नहीं, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं अल्लाह के सामने बात नहीं करता, क्योंकि अल्लाह बड़े जलाल में होंगे। फिर सब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, करते करते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम सब इनकार कर देंगे। फिर सब अंबिया मशवरा करेंगे कि हमें चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम के पास जाएं, वो अल्लाह के महबूब हैं, वो हमारी सिफारिश करें। तो जब सब अंबिया आकर सिफारिश करेंगे तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं उस वक्त अल्लाह के सामने सजदा करूंगा और मैं अपनी उम्मत के बारे में रोने लग जाऊंगा, और जब मैं रोऊंगा तो अल्लाह फरमाएंगे ऐ मेरे महबूब, इरफा रासा का सल तो होता, तू क्यों रोता है, तू मांग, जो मांगेगा मैं तुम्हें अता कर दूंगा। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत पर क़यामत के दिन हम जैसे गुनाहगारों की बख्शिश होगी। नबी आते रहे आखिर में नबियों के इमाम आए, नबी आते रहे आखिर में नबियों के इमाम आए, वो दुनिया में खुदा का आखिरी लेकर पैगाम आए। झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। वो आए जब तो अजमत बढ़ गई दुनिया में इंसान की, वो आए जब तो अजमत बढ़ गई दुनिया में इंसान की, वो आए जब तो इंसान को फरिश्तों के सलाम आए। वो हैं बेशक बशर लेकिन तशहुद में अजानों में, वो हैं बेशक बशर लेकिन तशहुद में अजानों में, जहां देखो खुदा के नाम के बाद उनका नाम आए। बरोज़े हश्र अमी जब नफ्स नफसी का समा होगा, अमीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बरोज़े हश्र अमी जब नफ्स नफसी का समा होगा, वहां वो काम आएंगे जहां कोई ना काम आए। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से क़यामत के दिन हम जैसे बहुत सारे गुनाहगारों की बख्शिश हो जाएगी। एक इसका माना है औलाद, कौसर का एक माना क्या है, औलाद। चुनाचे औलाद दो तरह की होती है, एक नस्बी और एक रूहानी। जो नस्बी औलाद है वो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आगे चली, और आज 1400 साल गुजरने के बाद भी दुनिया में सादात मौजूद हैं। जिस मुल्क में चले जाओ, जिस शहर में चले जाओ, आपको सैयद घराना मिल जाता है। तो अल्लाह ने देखो आपको क्या बख्त दिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद 1400 साल तक आगे चल रही है। एक होती है रूहानी औलाद, तो अगर इससे रूहानी औलाद मिल जाए तो ये भी जायज, क्योंकि नबी साहब ने फरमाया कि मैं हर मुत्तकी परहेजगार मेरी आल में से है। और एक हदीस में नबी साहब ने फरमाया इन्नमा अना लकुम बिमंजिलतिल वालिद, मैं तुम्हारे लिए बाप की माने हूं। तो अगर नबी इस्लाम नेक आदमियों के बाप हैं तो पूरी उम्मत रूहानी औलाद है, तो गोया औलाद पूरी दुनिया में फैली हुई है। ये नेमत अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई। पांचवा मतलब इसका ये है वह खैरुल उमम, कि अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत को खैरुल उमम बना दिया, ये कौसर है। ये माना भी ठीक है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं इस उम्मत के बारे में कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, अल्लाह ने तुम्हें इंसानों की भलाई के लिए भेजा है। फिर ये उम्मत वसत है, दरमियानी उम्मत। वकजालिका जालनाकुम उम्मतम वसतल लितकूनू
शुहदा अलन्नास। अल्लाह ताला ने मेराज की रात ने भी इस्लाम को फरमाया वजाल तो मिन उम्मत का कुलूब हम अनाजील हम, और मैंने उम्मत के आपकी उम्मत कियों के सीनों को इंजील की मानद बना दिया। इंजील अल्लाह की किताब है। तो आज भी जो बंदा कुरान वाक का हाफिज होता है उसकी मिसाल इंजील की मानद है, कुरान की मानद है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान, ये बात किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। तो कुरान का हाफिज हकीकत में कुरान ही मजीद ही के हुक्म में होता है। एक इसका माना फसल ने लिया है सातवां खुलुकुन खुलुकुन अजीम के कौसर से मुराद नबी इस्लाम के अखलाक अजीमा है। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया वो इस तो लिउतम्मिमा मकारिम अल-अखलाक, मैं मकारिम अखलाक की तालीम देने के लिए दुनिया में आया हूं। नबी इस्लाम ने फरमाया अदबनी रब्बी फअहसन तादीबी, मेरे रब ने मुझे अदब सिखाया और बेहतरीन अदब सिखाया। अब सोचिए कि जिसका मुरब्बी खुद अल्लाह हो उसकी तरबियत कितनी आला होगी। चुनाचे तमाम अंबिया की सिफात को अल्लाह ने अपने महबूब सम के अंदर जमा कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम की अनाबत, नूह अलैहिस्सलाम की इस्तकामत, इदरीस अलैहिस्सलाम की हिदायत, शीस अलैहिस्सलाम की करामत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुल्लत, इस्माईल अलैहिस्सलाम की इताअत, याकूब अलैहिस्सलाम का हुस्न, इसहाक अलैहिस्सलाम की बशाशत, मूसा अलैहिस्सलाम की वजाहत, हारून अलैहिस्सलाम की सादगी, ज़करिया अलैहिस्सलाम की यकीन और नबी और यहया अलैहिस्सलाम की हिकमत, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न, यूनुस अलैहिस्सलाम का गम, अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, दाऊद अलैहिस्सलाम की कुव्वत, सुलेमान अलैहिस्सलाम का तदब्बुर और लूत अलैहिस्सलाम की शराफत, इन तमाम को अल्लाह ने अपने महबूब में जमा फरमा दिया। चुनाचे हमारे सिलसिला के बुजुर्ग मौलाना जामी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने शेर कहा उसने यूसुफ दम ईसा यद बैजा दारी, उसने यूसुफ दम ईसा यद बैजा दारी, आंचे खूबा हम दारन तो तन्हा दारी। ए महबूब यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न और यूसुफ अलैहिस्सलाम की फूक और मूसा अलैहिस्सलाम का यद बैजा, इन तमाम हसीनों के पास जो मौजज़ात थे आप अकेले के पास ये सब मौजज़ात मौजूद हैं। बाद मुफसरीन ने कौसर से नबी अलैहिस्सलाम के मौजज़ात मुराद लिए हैं। चुनाचे अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने नबी अलैहिस्सलाम के मौजज़ात की तादाद का जिक्र करते हुए फरमाया है कि उनकी तादाद 1000 से ज्यादा है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने सही मुस्लिम के मुकदमा में जिक्र फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम के मौजज़ात की तादाद 1200 से ज्यादा है। इमाम बहकी रहमतुल्लाह ने अदमदखल में फरमाया है आपके मौजज़ात 1000 तक हैं। और अलामा जाहिदी हनफी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के मौजज़ात 1000 ही हैं और ये भी कहा कि 3000 तक उनकी तादाद है। अगर नबी अलैहिस्सलाम के मौजज़ात को तकसीम किया जाए तो उसकी 10 किस्में बनती हैं। कितने किस्में बनती हैं? 10 किस्मतें। पहले मौजज़ात है अफलाकी मौजज़ात। तो नबी अलैहिस्सलाम की उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़े हो गया, यह अफलाकी मौजज़ा था जो रुनुमा हुआ। फिर दूसरा है जमादाती मौजज़ा। जमादात कहते हैं पहाड़ पत्थर जमीन।
चुनाचे पत्थर थे जो नबी अलैहिस्सलाम को सलाम किया करते थे। नबी साहब ने फरमाया, मैं मक्का मुकरमा में ऐसे पत्थर को जानता हूं जो मेरी बेसत से पहले मुझे सलाम किया करता था और मैं उस पत्थर को अब भी जानता हूं। दामाद रसूल हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं नबी साहब के हमराह था, हम दोनों मक्का मुकरमा के नवा में चले गए तो मैंने देखा कि जो पहाड़ और दरख्त सामने आता अल्लाह के रसूल साहब को नहायत अदब से सलाम पेश करता। फिर तीसरा है नबताती मौजजात, दरख्तों का मौजजा। जैसे एक खजूर का तना था मस्जिद नबी में जो नबी साहब की जुदाई में रो पड़ा था। फिर चौथा है हैवानाती मौजजात, जानवरों के मौजजात। चुनाचे एक ऊंट ने नबी इस्लाम की खिदमत में आके अपने मालिक की शिकायत की थी। कमजोर घोड़ा था, उसको नबी इस्लाम का पैगाम मिला तो उसने तेज भागना शुरू कर दिया। एक मरतबा एक बद्दू गो लेके जा रहा था। गो हमारे इलाके में एक जानदार है जिसको बहुत मजबूती के साथ दीवार को पकड़ लेती है तो वो छोड़ती नहीं है। तो पहले वक्तों के डोर चोर डाकू उसको इस्तेमाल करते थे, उसको दीवार के साथ चिपका देते थे और फिर उस रस्से के साथ उनकी दीवार फैलांग जाया करते थे। वो गो खाना है तो हराम, लेकिन अरब के लोग उस वक्त गो खाया करते थे। तो वो देहाती एक मरी हुई गो लेके जा रहा था। रास्ते में नबी इस्लाम से मुलाकात हो गई तो नबी इस्लाम ने उससे फरमाया कि तुम कौन हो। उसने अपना नाम बताया। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उसको दीन की दावत दी कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और तुम मेरे पे ईमान ले आओ। उसने सोचा कि मैं कोई ऐसी बात करूं जो नामुमकिन है। उसने कहा, जी मैं तो आपको तब रसूल मानूंगा जब मेरी गो गवाही देगी। अब मरी गो बोल भी नहीं सकती। उसका ख्याल था ये बिल्कुल नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। चुनाचे जब उसने ये कहा तो नबी साहब ने गो को मुखातिब होकर कहा कि उठ मेरी बात सुन। तो मरी हुई गो ने आंखें खोल दी। तो नबी अली साहब ने उस गो से पूछा, बता मैं कौन हूं। उसने कहा, आप अल्लाह के रसूल हैं और आप वो जात हैं जिनकी शफात से क्यामत के दिन लोगों की बख्शिश होगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही जानवरों में दी, दरख्तों में दी, पत्थरों में दी। फिर शिफा के मौजजात के नबी अलैहिस्सलाम की दुआ से लोगों को शिफा नसीब हो गई। हजरत अली नानो की आंखें एक मरतबा बड़ी खराब थी। नबी अलैहिस्सलाम ने लोहाबे मुबारक लगाया, अल्लाह ने उनकी आंखों को ठीक कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक लानो के पांव पे सांप ने काटा था, नबी अलैहिस्सलाम ने लोहाबे मुबारक लगाया और अल्लाह ने उनको शिफा अता फरमा दी। फिर छठे मौजजात हैं दुआइया मौजजात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बदौलत जो रोनुमा हुए, इनकी तादाद तो बहुत ज्यादा है। फिर सातवें मौजजात हैं नबुल मा कि नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक उंगलियों से पानी जारी हो गया। एक मरतबा पूरा लश्कर था और उन्होंने वुजू करना था और पानी पीना था और एक छोटे से बर्तन में पानी था तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसमें अपने मुबारक हाथ को डाल दिया। साहबी कहते हैं कि हम हैरान थे कि महबूब की उंगलियों से पानी निकल रहा था जैसे चश्मे से निकलता है। इतना पानी निकला कि पूरे लश्कर ने उसको पिया। इसलिए कहते हैं कि कायनात में सबसे ज्यादा अफजल वो पानी है जो महबूब सम की मुबारक उंगलियों से निकला था।
दूसरे दर्जे फिर जमजम का नाम हौज़े कौसर का नाम आता है, फिर तीसरे दर्जे पे जमजम का नाम आता है, फिर अखबार गैब के मौजूदात यानी पुराने जमाने के वाकयात भी बयान किए नबी अलैहिस्सलाम ने, और दसवें हैं पेशगोई के मौजूदात, आने वाले वाकयात और हादसात की इतला भी नबी अलैहिस्सलाम ने दी। आपने आज दोहर के बाद बयान भी सुना अलामात क़यामत के बारे में, तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की एक दलील ये भी है कि जो आपने फरमाया जैसे फरमाया 1400 साल के बाद वो बात मिनवान उसी मतलब पूरी हो रही है। दसवां माना कौसर का है अल इल्मुल वासिह, नबी इस्लाम का वसी इल्म। नबी इस्लाम को अल्लाह ने खैर कसीर अता फरमाई और इल्म के बारे में अल्लाह फरमाते हैं वमन यूतल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा, एक जल्ला अपने हबीब सम के बारे में फरमाते हैं वअल्लमक मा लम तकुन तालम वकान फजलुल्लाहि अलैक अज़ीमा। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उती तो इल्मुल अव्वली वल आखिरीन। इसका 11वां माना है अन्नहुल इस्लाम के कौसर है मुराद दीन इस्लाम है। हकीकत यह है कि इस्लाम बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया। इरशाद फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना। एक और जगह अल्लाह फरमाते हैं इन दीन इंदल्लाहि अल इस्लाम। एक जगह अल्लाह फरमाते हैं अल यौम याइसल्लज़ीना मिन दीनकुम, ए महबूब आज ये काफिर आपके दीन से मायूस हो गए, आज के दिन इनको पता चल गया कि मुसलमान लोहे के चने हैं, इनको चबाना आसान काम नहीं है, ये मायूस हो गए हैं। और फिर अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब के दीन को दुनिया में फैलाना था वलो कर हल मुशरिकून, चाहे मुशरिकों को ये बात अच्छी न लगे, वलो कर हल काफिरून, चाहे काफरों को ये बात अच्छी न लगे। एक माना यह है अन्नहुल कुरान के कौसर से मुराद नबी इस्लाम को जो कुरान अता फरमा दिया वो है। कुरान मजीद अपने फजाइल व कमालात के लिहाज से बेमिसल और बेनजीर है, अपने फवायद व समरात फ्यूज व बरकात और असरार रूम के एतबार से लासानी है। चुनाचे नबी इस्लाम ने कुरान के बारे में तारीखी बातें कही, फरमाया फीही नबा व मा कबलकुम व खबर व मा बादकुम, इसमें तुमसे पहले वालों की भी खबरें हैं और आने वाले बंदों यानी उम्मतों की भी खबरें हैं। व हुक्म मा बैनकुम, और तुम्हारे दरमियान के अहकाम भी इस कुरान में मौजूद हैं। वहुवल फसल लैसा बिल हज़्ल, और ये कौल फैसल है कोई मजाक की बात नहीं है। मन तरकहु मिन जबारिन कसमहुल्लाह, जो इसको अपनी सरकशी की वजह से कुरान को छोड़ेगा अल्लाह उसको तोड़ के रख देगा। वह मन इब्तगल हुदा मिन गैरिहि अज़ल्लाहुल्लाह, और जो कुरान के अलावा किसी और से हिदायत तलब करेगा अल्लाह उसको गुमराह कर देगा। हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन, ये अल्लाह ताला की मजबूत रस्सी है। वह ज़िक्रुल हकीम, और ये ज़िक्र हकीम है। वह सिरातुल मुस्तकीम, और ये सीधा रास्ता है। हम जो सीधा रास्ता इख्तियार करने की दुआएं करते हैं ना, वो ये है कि हम कुरान पाक के साथ नत्थी हो जाएं। जो कुरान पाक के साथ नत्थी हो गया तो उसने गोया सीधे रास्ते को पा लिया। हुवल्लज़ी ला तदीउ बिल अहवा, इसकी वजह से ख्वाहिशात इधर उधर नहीं भटक पाती। वला तल्तबिसु बिल अलसना, और न जबाने इसकी वजह से लड़खड़ाती हैं।
वाला यशमो मिन हुलमा, और उलमा का इससे जी भरता ही नहीं है। कुरान मजीद ऐसी किताब है, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, हजारों दफा पढ़ो, ये नहीं होता जी हम पढ़ चुके हैं अब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखा। हर दफा एक नया लुत्फ होता है, एक नया मजा होता है। इसका मजा इस तरह समझिए कि जैसे सख्त रोजा लगा हुआ हो, बंदा इफ्तार करे और उस वक्त उसको आइसक्रीम खाने के लिए कोई दे तो हर लुकमा खाने का अलग मजा होता है। तो जिस तरह आइसक्रीम की हर लुकमा खाने का मजा अलग है, कुरान मजीद की हर आयत के पढ़ने का मजा जुदा है। इसको पढ़ते जाइए और अल्लाह की किताब के पढ़ने के मजे लेते जाइए। उलमा कितना ही पढ़े उनको इससे आसूदगी नहीं होती, यानी बोरियत नहीं होती। कोई कितना ही कुरान पाक पढ़े, इसको दुनिया की आम किताब हो ना, एक दफा पढ़ो तो ठीक, दूसरे दफा पढ़ने को दिल नहीं करता, तीसरी मरतबा तो हाथ लगाने को दिल नहीं करता, चौथी मरतबा कहता है बंदा यार मेरे सामने नाम ही ना लो, तो दो तीन दफा किताब पढ़ के बंदा कहता है नाम ही ना लो। और ये कुरान मजीद है कि लोग सारी जिंदगी इसको पढ़ते रहते हैं। शेख रजीब साहब के एक बयान में आपने सुना कि एक बुजुर्ग ने अपनी जिंदगी में 18,000 मरतबा कुरान पाक पढ़ा और उनको कुरान पाक से शराबी नहीं हुई। इसलिए कुरान पाक कभी बेमजा और पुराना नहीं होता, इसकी अनोखी बातें खत्म नहीं होती। और वो कुरान जिसे सुनकर जिन भी खामोश न रह सके बल्कि पुकार उठे कि हमने एक अजीब कलाम सुना है जो भलाई का रास्ता दिखाता है, तो हम इस पर ईमान ले आए, जो इसके मुताबिक बोलेगा, इसके मुताबिक अमल करेगा, उसे अजर व सवाब दिया जाएगा, और जिसने इसके मुताबिक फैसला किया उसने इंसाफ किया, और जिसने इसकी तरफ बुलाया उसने सीधे रास्ते की हिदायत दी। और एक माना इसका यह है औलियाए कराम, इस उम्मत के औलियाए कराम हैं कौसर से मुराद। चुनाचे काफिर तो ये समझते थे कि नबी अलैहिस्सलाम की वफात के बाद आपका निशान मिट जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ऐसे जानशीन अता किए, ऐसे नायब अता किए, आज 1400 साल गुजरने के बाद भी नबी अलैहिस्सलाम का जिंदा है और उन्होंने अपने गुलशन सजा रखे हैं। इसलिए जैसे नबी अलैहिस्सलाम की जात बहुत आला है, अल्लाह ने इस उम्मत के औलिया की शान भी ऐसे आला बना दी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। चुनाचे उम्मत के जो फुकहा थे, मुहद्दिसीन थे, वाकई उनका दर्जा अल्लाह ने बनी इसराइल के उलमा जैसा लिखा है। बस फर्क यह है कि उन अंबिया के पास नबुवत का ताज था, इनके पास वो ताज नहीं होगा, वरना कदर मंजिलत में ये उसके साथ होंगे। हदीस मुबारक में आता है क़यामत दिन अंबिया की सफे बनेंगी, जहां खत्म होंगे वहां पे इस उम्मत के उलमा को अलग बिठा देंगे, यानी जिस लाइन में अंबिया बैठे होंगे उसी में उलमा होंगे, मगर उनके सर पे नबुवत का ताज नहीं होगा। तेरवा मतलब इसका यह है अन्नल कौसर अन्नबुवा, कि नबुवत कामिल जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई, कौसर से मुराद वो है। नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी ही नहीं थे, खातमुन नबीयीन थे। आप नबियों के भी इमाम थे, नबियों के भी नबी थे। चुनाचे अल्लाह ने कुरान मजीद में अपने नबियों से वादा लिया कि ऐ मेरे अंबिया, अगर तुम्हारे सामने वो रसूल आए जो तुम्हारी तस्दीक करे तो क्या तुम उस पर ईमान लाओगे और उसकी मदद करोगे। वैज़ा खज़ल्लाहु मीसाक़न नबियीन, अल्लाह ने अंबिया से ये अहद लिया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन,
جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم اللہ نے پوچھا میرے انبیاء کیا تم سب نے اس کا اقرار کر دیا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اسری اور اس پر جو ہے میرے ذات وعدہ پکا کر لیا قالوا اقررنا انہوں کا ہم نے اقرار کیا قال فشہدوا اللہ نے فرمایا پھر گواہ رہو وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے جو خاتم النبیین کا رتبہ دیا وہ کوثر میں شامل ہے چودواں مطلب ہے کہ کوثر سے مراد وہ اعلیٰ مقام قرب ہے جس کے اوپر کوئی مقام کسی بندے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے بعض نے پندرواں مطلب امام جعفر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے قلب منور کے نور کو اللہ نے کوثر فرمایا جس قلب کا نور پوری امت میں تقسیم ہو رہا ہے آپ اندازہ لگائیے اس قلب کے اندر کتنا نور ہوگا وہ کتنا منور قلب ہوگا اس کو کوثر کہا گیا سترواں یہ کہ سورہ کوثر سے مراد یہی سورہ کوثر ہی ہے سورہ کوثر کی تین آیات ہیں انا اعطینا کل کوثر فصلی لربی کا ونہر ان نشانی آتا ہوا الابتر یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے جب یہ سورت اتری تو مکہ کے کافر نے سوچا کہ بڑے اچھے اشعار ہیں اور ایک شعر کی کمی ہے اگر چوتھا شعر فٹ ہو جائے نا تو پھر ہم کہیں گے دیکھو جی ہم نے تمہارے مقابلے کا قرآن بنا دیا چنانچہ مکہ مکرمہ کا ایک شاعر تھا جو غاروں میں رہتا تھا تنہائی میں وقت گزارتا تھا یعنی غالب اور میر تقی میر جیسا کوئی شاعر تھا الگ زندگی گزارتا تھا وہ اس کے پاس گیا اور اس کو جا کے کہا کہ یہ تین فکرے تو میں نے بنا دیے چوتھا فکرہ میں نے نہیں بنایا وہ تو بنا لے اس نے وعدہ کر لیا اب وہ کئی دن سوچتا رہا کہ چوتھا فکرہ کون سا بناؤں جو فٹ ہو جائے ایک ہفتے کا اس نے وعدہ کیا تھا اور وہ کافر بڑا خوش تھا کہ میں ایک ہفتے کے بعد آؤں گا اور مسلمانوں کے پیغمبر کو بتاؤں گا کہ دیکھو تمہارے کلام کے ساتھ جیسا میں نے بھی کلام بنا لیا چنانچہ ایک ہفتے کے بعد وہ اس سے جواب لے کے آیا تو فکرہ کیا فٹ ہوا تھا انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونہر ان نشانیک ہو الابتر ما ھذا کلام البشر یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے اٹھارہویں تفسیر یہ ہے انہ الخیر الکثیر چنانچہ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر تمام تفاسیر پر مشتمل ہے چنانچہ صاحب روح المعانی علامہ آیوسی اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ سب سے راجح قول یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر جو نعمتیں ظاہرہ تھیں یا باطنہ تھیں وہ کوثر کے اندر شامل ہیں جو نعمتیں آپ کو دنیا میں حاصل تھیں یا آخرت میں نصیب ہوں گی سب کی سب کوثر میں شامل ہوں گی وہ علوم و معارف جو اللہ نے آپ کو دنیا میں دیے اور وہ جو فیض اللہ آپ کو آخرت میں عطا فرمائیں گے وہ سب کوثر میں شامل ہیں تو یہ کوثر کے 18 مختلف مطلب تھے اللہ فرماتے ہیں انا اعطینا کل کوثر آگے فرمایا فصلی لربک ونہر اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی شکر ادا کرنے کا تو حکم نہیں دیا نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو مفسرین نے کہا کہ نماز پڑھنا خود شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِلَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ اپنے اللہ کی عبادت کیجئے اور شکر ادا کرنے والوں سے بن جائیے تو گویا یہ شکر ہی ہے جو نبی علیہ السلام بدنی اعتبار سے ایک ہوتا ہے لسانی شکر ایک ہوتا ہے بدنی شکر اور پھر آگے فرمایا ونہر قربانی دیجئے تو ان کا مطلب یہ ہے کہ بدنی عبادت بھی کیجئے مالی عبادت بھی کیجئے
चुनाचे जब किसी बंदे पर इनामात हो, जब किसी बंदे पर अल्लाह की खास मेहरबानियां हो, उसको चाहिए कि वो माली तौर पर भी शुक्र अदा करे, जिस्मानी तौर पर भी शुक्र अदा करे। नहर कहते हैं जानवर को ज़िबा करना, ऊंट को ज़िबा करने का नाम नहर है। इससे मुराद जानवर की कुर्बानी है, ऊंट की हो या बकरी गाय की हो। तो ये फलाह के दो उसूल हैं, अल्लाह ने कुरान मजीद में बता दिए कि बंदा नमाज पढ़े और कुर्बानी दे। उसका नतीजा क्या होगा? इन नशानी आका हुवल अवतर, तेरा दुश्मन यकीनन मक्तून नस्ल होगा, अबतर होगा। चुनाचे जिन काफरों ने नबी इस्लाम को ताने दिए, आज न उनकी नस्लों का पता न उनके नाम और निशान का पता। और अल्लाह ने अपने हबीब का तज़करा भी बाकी रखा हुआ है और जो इनामात अता किए उनको भी बाकी रखा हुआ है। तारीख में मुख्तलिफ अंबिया तशरीफ लाए, उनकी कौमों ने उनके ऊपर एतराजात किए, तो अल्लाह ने उन अंबिया की जबानी कौम को जवाब दिया है। मसलन हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने कहा था, इन्ना लनराक फी दलाल मुबीन, हम तो आपको सरी गुमराही में देखते हैं। तो अल्लाह ने अपने नूह अलैहिस्सलाम की जबानी जवाब दिलवाया, या कौम लैसा बी दलाला, ए कौम मैं गुमराह नहीं हूं। कौम इतराज कर रही है, नबी अलैहिस्सलाम खुद जवाब दे रहे हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को कौम ने कहा कि इन्ना लराका फी सफाहा, हम तो तुम्हें कम अकल देखते हैं, पागल देखते हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या कौम लई सभी सफाहा, ऐ मेरी कौम मैं कम अकल नहीं हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन मलून ने कहा था, इन्नी लअज़ुन्नु का या फिरौन मसहूरा, ऐ मूसा मैं तो तुझे सहर सदा देखता हूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इस मरदूद के तान का जवाब देते हुए फरमाया, इन्नी लअज़ुन्नु का या फिरौन मसहूरा, ऐ फिरौन मैं तुझे हलाकत में मुब्तला देखता हूँ। तो अंदाजा कीजिए कि हर नबी पर उनकी उम्मत ने एतराजात किए, अल्लाह ने उस नबी की जबान से जवाब दिलवाया। लेकिन जब इस उम्मत की बारी आई और उम्मत के कुछ काफरों ने नबी अलैहिस्सलाम पर एतराज किया, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को मजनून कह दिया, अल्लाह ने अपने महबूब से उसका जवाब नहीं दिलवाया, खुद जवाब दिया। फरमाया, नून वल कलम वमा यस्तुरून, मा अंत बिनेमत रब्बे का मैं मजनून, ए मेरे महबूब आप तो बिल्कुल ही मजनून नहीं है। वह इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम, आप तो अखलाक के बड़े ऊंचे मरतबे पर फायज हैं। और फिर वलीद बिन मुगीरा, जिसने ये लफ्ज कहा था, अल्लाह ने कुरान मजीद में उसको एक के बदले 10 गालियां दी। फरमाया, वला तुते कुल्ल हल्लाफिम महीन हम्माज़िम मशाइम बिन अमीम मन्नाइ लिल खैर मुतदिन असीम उतुल्लिन बाद ज़ालिक ज़नीम, ऐ मेरे महबूब उसकी बात मत मानिए जो कस्में खाने वाला बेकदर ताने दे, चुगली खाता फिरे, भले काम से रोके, हद से बड़ा हुआ, बड़ा गुनागार, उजड़ और उन सब के पीछे बड़ा बदनाम। एक के बदले अल्लाह ने उसको 10 सुनाई। यहां शाह अब्दुल अजीज रहमत ने तफसीर अजीजी में एक नुक्ता लिखा है, वो फरमाते हैं, एक कलमा गुस्ताखी का अगर किसी ने नबी साहब के बारे में बोला, अल्लाह ने जवाब में उसके 10 ऐब गिनवा दिए। इससे पता चलता है कि नबी साहब की गुस्ताखी की ज़ात 10 गुना है। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ की बदला भी 10 गुना होना चाहिए। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा,
जो मुझ पर एक दफा दुरूद भेजेगा अल्लाह उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। ये सूरह कौसर की तफसीर थी जो आज हमने पढ़ी। अब इसके फवायद भी सुन लीजिए। ख्वाब में नबी इस्लाम की जियारत के लिए जुम्मे की रात को सोने से पहले बावजू होकर सूरह कौसर को 100 दफा पढ़े और 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और बावजू ही सो जाए तो नबी इस्लाम की जियारत नसीब होती है। बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि नबी इस्लाम की जियारत नहीं हुई तो जुमेरात को 100 मरतबा सूरह कौसर पढ़े और 100 मरतबा दुरूद शरीफ साथ पढ़े, अल्लाह ताला ज़ियारत अता फरमाएंगे। जो आदमी सूरतुल कौसर को लिखकर अपने गले में बांधे तो वो अमन में रहेगा। तन्हाई में 300 बार पढ़ने से अल्लाह उसको दुश्मनों पर गलबा अता फरमाएंगे। एक और इसका खूबी सुनिए। अगर कोई शख्स औलाद से महरूम है तो रोजाना 101 दफा सूरतुल कौसर बिस्मिल्लाह के साथ पढ़े, इंशाअल्लाह उसको औलाद की नेमत अता फरमाएंगे। जिस शख्स की औलाद जिंदा न रहती हो अगर वह इस सूरत को 700 दफा सुबह की नमाज के बाद 41 रोज तक पढ़े, इंशाअल्लाह उसकी औलाद जिंदा रहेगी। अगर कोई ख्वाब में देखे कि मैं सूरह कौसर पढ़ रहा हूं तो ताबीर ये है कि माल और नेमत अल्लाह उसको अता फरमाएंगे। हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह पंदनामा में शेर लिखते हैं, जुर्मे मारा दरगुजार, ऐ बादशाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मा गुनाहगारेम तू अमुर्ज़गार, मैं गुनाहगार हूँ और तू बड़ा रहम करने वाला है, तू निकोकारी ओ मा बरकरदाहिम, अल्लाह तू अच्छा है और मैं बहुत ही बुरा हूँ, जुर्म बेपाया और बेहद कर दाएं, मैंने बेहद और बेपना जुर्म किए हैं, साल हा दर फिस को इसिया गश्ताहिम, साल हा साल ए अल्लाह मैं गुनाहों के अंदर डूब रहा हूँ, दायमन दर बंदे इसिया बूदाहिम, हम करीने नफ्स व शैतान बूदाहिम, रोज शब अंदर मासी बूदाहिम, मैंने नफ्स और शैतान की कुर्बत इख्तियार की और दिन रात में गुनाहों के अंदर पड़ा रहा, गाफिल अज़ खज नवासी बूदाहिम, और मैं गाफिल हो गया कि अल्लाह ताला पेशानियों से पकड़ कर बंदे को जहन्नम में डालने वाला भी है, बेगुनाह न गुज़श्ता बरमा साते, मेरे ऊपर कोई सात भी गुनाहों के बगैर नहीं गुजरी, बाहजूर दिल न करदा ताते, और मेरे दिल ने कोई तात हुजूरी के साथ नहीं की, ए अल्लाह ये टूटा हुआ बंदा अब आपके दरबार पे हाजिर है, आप रवि खुद बहिसियां रेखता, मेरे मौला मगफिरत दारत उम्मीद लुत्फ तू, मगफिरत फरमा अपने मेहरबानी के साथ, जां के खुद फरमूद एला तकनतु, इसलिए कि तूने खुद कहा है कि मेरे बंदो मुझसे मायूस ना होना। बनी इसराइल का एक नौजवान था जो बहुत गुनाहगार था, उसका वाक्य सुन के मैं बात मुकम्मल करता हूँ। वहाब इब्ने मुनब्बा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, काना फी ज़माने मूसा अलैहिस्सलाम शाबुन, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक नौजवान था, आतिन बड़ा सरकश था, मुसरिफ़ुन अला नफ्सिही, अपने नफ्स पे बड़ा जुल्म करता था, वो इतना बुरा था कि बस्ती के लोग उससे तंग आ गए थे और उन्होंने फैसला कर लिया था अब हमने इसको बस्ती में रहने नहीं देना,
अब आप बताइए कितना बड़ा गुनाहगार होगा कि बस्ती के लोगों ने मुतफिक तौर पे फैसला किया कि इसको हमने बस्ती से निकाल देना है। चुनाचे उसने फिर गुनाह का इर्तकाब किया तो फिर बस्ती वालों ने मिल के उसको मारा और जलील और रुसवा करके बस्ती से धक्के दे के निकाल दिया। فَأَخْرَجُوهُ مِنْ بَيْنِهِمْ لِسُوءِ فِعْلِهِ, सारी बस्ती वालों ने उसके बुरे कामों की वजह से उसे निकाल दिया। فَزَرَتْهُ الْوَفَاةُ فِي خَرْبَةٍ عَلَى بَابِ الْبَلَدِ, उस जमाने में शहरों के गिर्द फसीलें होती थी जैसे हमारे इदारे के गिर्द दीवार है और उसके दरवाजे होते थे। जब उन्होंने दरवाजे से धक्का दिया तो दरवाजे के सामने वीराना था जहां चंद रख थे, वो वीराने में जाकर बैठ गया। अल्लाह की शान देखें कि उस वीराने में उसको मौत आ गई। फअल्लाहु तआला इला मूसा, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई, इन्ना वलिया मिन औलियाई हाजरहुल मौत, ए मूसा अलैहिस्सलाम मेरे औलिया में से एक वली को मौत आ गई है। फहजुर व गसल व सल्ली अलैहि, आप उसके पास जाइए, उसको गुसल दीजिए और उसके जनाजे की नमाज पढ़िए। वकुल मन कसरा इसियान यहदुर जनाजत दीजिए कि जिस बंदे के गुनाह बहुत हो वो आके उसके जनाजे की नमाज पढ़े, मैं उसको भी माफ कर दूंगा। वहमिलो इलैया, और उसे कब्र में दफना दीजिए, ले मसवा हो ताकि मैं उसके साथ अच्छा मामला करूं। फनादा मूसा अलैहिस्सलाम फी बनी इसराइल, मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल में ऐलान करवा दिया, लोगों अल्लाह के औलिया में से एक वली की मौत आई है, जो जनाजा पड़ेगा वो बख्शा जाएगा। फकसुर अन्नास, तो लोगों की सारी तादाद, बहुत कसीर तादाद जनाजा पढ़ने पहुंच। फलम्मा हाजर वो आरिफू, जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने उसको पहचान लिया। फकालू, कहने लगे, या नबी अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, हाजा वल फासिक अल्लज़ी अखरजना हो, ये तो वही फासिक व फाजिर है जिसको हमने बस्ती से निकाल दिया। फताअज्जब मूसा मिन ज़ालिक, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी इस बात से बड़ी हैरानी हुई, हाँ यार बात तो ठीक है, बंदा तो ये वही है। फाओहल्लाहु इलैहि, फिर अल्लाह ने उनकी तरफ वही नाजिल फरमाई, सदकु व हुम शुहदाई, ये ठीक कह रहे हैं सारे लोग मगर ये मेरे गवाह हैं। इल्ला अन्नहु लम्मा हज़रतुल वफ़ातु फी हाज़िल ख़र्बती, मगर मसला ये है कि जब इस बंदे को वीरानी में मौत आई, नजर यमनतम व युसरतन, उसने अपनी दाएं तरफ भी देखा बाएं तरफ भी देखा, वला करीबन, उसको कोई अपना करीबी रिश्तेदार नजर नहीं आया, वरा नफ्सहु गरीबतन वहीदतन जलीलतन, उसने अपने नफ्स को गरीब पाया, अकेला पाया और जलील पाया। फराफाउ बसरहु इलैया, उसने अपनी आंखें आसमान की तरफ लगाई और मुझे कहा, इलाही अब तुम मिन इबादिका, ला तेरे बंदों में से एक बंदा हूं, गरीब उन फी बिलादिका, मैं अपने शहर से निकाला गया हूँ। लो अलिम तो अन्ना अजाब यजीद फी मुल्की का, अगर मैं जान लेगा कि मुझे अजाब देने में तेरे मुल्क में इजाफा होगा तो मैं तुझसे मगफरत न मानता, और अगर माफ करने से तेरे मुल्क में कमी हो जाती लम्मा साल तुकल मगफिरा, ए अल्लाह मैं तुझसे मगफरत न करता। वलै सली मलजा वला रजा इल्ला इलैही, और मेरी तो कोई जाय फना और उम्मीद का तेरे सिवा है ही नहीं, पर मैंने तो ये भी सुना है कि आपने कहा है, इन्नी अनल गफूर रहीम, मैं बड़ा ही गफूर और बड़ा ही बख्शने वाला हूँ। वला तखिब रजाई, अल्लाह मेरी उम्मीदों को न तोड़ना। ए मूसा अलैहिस्सलाम, अफगान यहसन बी अन अरुद्दहू, क्या मुझे ये बात अच्छी लगती है, जेब देती है कि वो मरदूद किया गया हुआ बंदा है और वो मुझसे इस तरह से दुआएं मांग रहा है। वक़्त तवस्सल इलैया बी व तज़र्रअ बैन यदैया,
और उसने मुझे मेरी रहमत का वास्ता दिया और मेरे सामने गिड़गड़ाया। फबिइज्जती, मुझे अपनी इज्जत की कसम, अल्लाह ताला अपनी इज्जत की कसम खा के फरमाते हैं, मुझे अपनी इज्जत की कसम, लौ सअलनी फिल मुज़्नबीन मिन अल अर्द जमीया, अगर ये बंदा उस वक्त मुझसे पूरी दुनिया के गुनाहगारों की बख्शिश का सवाल करता, लवहब तो हम लहू लिजुल गुरबत ही, तो मैं उसकी इस आजजी की वजह से पूरी दुनिया के गुनाहगारों की बख्शिश कर देता। अल्लाह की रहमत जब जोश में आती है तो उसके लिए हमारे गुनाहों को माफ करना कोई मुश्किल काम नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, या मूसा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, अना काहफुल गरीब, मैं परदेसी की पनागाह हूँ, वह हबीबा हूँ और मैं ही उसका दोस्त हूँ, वह तबीबा हूँ और मैं ही उसका तबीब हूँ, वह राहिमा हूँ और जिस पर कोई रहम करने वाला नहीं, मैं उस पर रहम करने वाला हूँ। जब अल्लाह की सिफत ऐसी है कि वो इतने गुनाहगार को वलिया का मकाम देता है और ऐलान करता है कि जो जनाजा पड़ेगा उसकी भी बख्शिश कर दी जाएगी, तो हम भी तो गुनाहगार हैं, हम आज अल्लाह से उसकी रहमत का सवाल करें। क्या वईद है कि आज की इस मजलिस में से पहले अल्लाह हमारे गुनाहों की भी बख्शिश फरमाए। ये 27 मुबारक की रात है, ऐन मुमकिन है कि ये लैलतुल कदर की रात हो और आज फैसले होने वाले हों, लिहाजा अल्लाह ताला से खूब आहुजारी के साथ दुआ कीजिए और अल्लाह से अल्लाह को मांग लीजिए। अब थोड़ी देर के लिए मुराकबा कर लीजिए। मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा, मैं तेरे सामने, मैं तेरे सामने, मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा, मैं तेरे सामने, मैं तेरे सामने, मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सजावार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सजावार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सजावार हूँ, मेरे सजदों में तेरी ही हम्द सना, मेरे
सजदों में तेरी ही हम्दो सना, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा, मैं तेरे सामने, मैं तेरे सामने, मेरी तौबा है तौबा मेरे इला, मुझ गुनाहगार को तू न देना सजा, मेरी तौबा है तौबा मेरे इला, मुझ गुनाहगार को तू न देना सजा, मुझ गुनाहगार से तू न हो ना खबा, मेरी आहों को सुन, मेरी आहों को सुन ले हाजत रवा, मेरी आहों को सुन ले हाजत रवा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा, मैं तेरे सामने, मैं तेरे सामने, मैं तो गफ्फार हूँ तूने खुद ही कहा, नहीं कोई नहीं इस गुनाहगार का, मैं तो गफ्फार हूँ तूने खुद ही कहा, नहीं कोई नहीं इस गुनाहगार, बख्श दूंगा मैं तुझको ये है वादा तेरा, बख्श देगा हमें, बख्श देगा हमें ये है वादा तेरा, मैं तेरे साथ तेरे बंदे तेरे दर पे आए हैं रब, तेरे आगे ही सर को झुकाए हैं अब, तेरे बंदे तेरे घर में आए हैं रब, तेरे आगे ही सर को झुकाए हैं अब, आज कर दे आता, आज कर दे आता इनको अपनी रजा, आज कर दे आता हमको अपनी रजा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा, मैं तेरे सामने, मैं तेरे सामने, मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा।
अभी हमूद बैत के कलिमात पढ़ाए जाएंगे, तो जहाँ तक आवाज़ जा रही है सब मर्द और सब औरतें दिल में नियत कर लें कि आज की इस मुबारक रात में हम अपने गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा कर रहे हैं और आइंदा सच्ची और सच्ची जिंदगी गुजारने की दिल में नियत कर रहे हैं। ये कलिमात मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसि بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين